ढाई बजे पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। 3 मंच बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के लिए दूसरे जिलों से 3 एडीएम 10 एसडीएम बुलाए जा रहे हैं। वीआईपी गेस्ट के रुकने ट्रांसपोर्ट की प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। विधायकों मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नजरिए से 1,000 पुलिस कर्मियों को परेड ग्राउंड में तैनात किया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारी अटकलें इस बात को लेकर भी तेज थी कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन होगा। पर बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान ये फैसला किया गया और विधायक दल का नेता सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुन लिया गया। तो अब ऐसे में तमाम तस्वीरें क्लियर हो चुकी है, तमाम तस्वीरें साफ भी हो चुकी है और ये तय कर लिया गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे। मैं अपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृहमंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और उत्तराखंड की देवप्रिय जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दो तिहाई बहुमत की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाई है। अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी समेत हमारे और कई राज्यों के जो सभी का आने का काम प्रस्ताव है। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पवन लालचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ भव्य तैयारियां हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। देखिए, क्योंकि ये बीजेपी ने उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा उलटफेर किया है, क्योंकि उत्तराखंड के पिछले जो 4 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी में बारी बारी से सत्ता की भागीदारी होती थी, लेकिन ये 5वां विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत करके इस पॉलिटिकल मिथक को तोड़ दिया कि कोई पार्टी सत्ता में 5 साल रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर पाती है नहीं कर पाती है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास है और एक और भी मिथक टूट रहा है कि चुनाव जीत करके आज तक किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ नहीं ली है। तो पुष्कर सिंह धामी पिछली रिजीम में भले 8 महीने के लिए ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री रहे, वो दोबारा मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कल 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देहरादून का परेड मैदान यहाँ का सबसे बड़ा मैदान है और तमाम बड़े पॉलिटिकल आयोजन इसी प्रसिद्ध मैदान में होते हैं, वहां तैयारियां की। जैसे आपने बताया कि हजारों की तादाद में आम लोगों को भी इसमें आने के लिए एक तरह से आने की इजाजत होगी। उसके अलावा बीजेपी के तो तमाम जिलों का जो काडर है वो यहां पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वहां मौजूद रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की संभावना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फिक्स हो गया, वो 2:30 बजे पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की बात कही जा रही है। उसके अलावा जो प्रदेश भाजपा है और जो सरकार के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने करीब करीब बीजेपी शासित राज्यों में तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है, हमें उम्मीद है कि 4-5 राज्यों के जो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी ने 2/3 बहुमत उत्तराखंड में हासिल किया और वो भी 5 साल सरकार चलाने के बाद। तो पुष्कर सिंह धामी कल 2:30 बजे के आसपास 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे जी। और बिल्कुल पवन जी, देखिए ये भी समझना होगा कि पुष्कर सिंह धामी ये वही चेहरा है जिसके चेहरे पर वोट मांगे गए उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता से और फिर जीत तो हुई। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खुद विधायक नहीं बन पाए पर कई सीटें उन्होंने बीजेपी के खाते में की और यही वजह कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। निश्चित तौर पर इसीलिए ये बेहद खास है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, इसीलिए बीजेपी को निर्णय लेने में करीब 11 दिन का समय लगा कि पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा उनकी ताजपोशी की जाए, क्योंकि ऐसा बीजेपी ने आज तक अपने इतिहास में कभी किया नहीं कि पार्टी का जो चुनावी चेहरा हो वो अगर चुनाव हार जाए तो उसे वापस फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस तरह से पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा ये फैसला पार्टी ने लिया, अभूतपूर्व फैसला है। यही वजह कि पार्टी को लंबा वक्त भी लगा, लेकिन इससे एक तरह से मैसेज भी गया कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच उनकी एक अच्छी खासी छवि उनकी बनी है जिसका फायदा चुनावी हार के बावजूद उनको मिला है। और कल का दिन निश्चित तौर पर बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ा रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।